गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप करेंगे चैप्टर नंबर 9 फौजी। बेटा, इस लेख विच फौजियां दी देश दी सुरक्षा लई पाए जाने वाले योगदान अते कुर्बानियां दा वर्णन किया गया है। चलो बच्चे, हुण आपां इस पाठ विच फौजी वीरां बारे होर विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चिओ, तुसी सारिआं ने फौजी शब्द तां सुणिआ ही होवेगा। फौजी मीनस सोल्जर। फौज विच भर्ती हो के देश दीआं सेवावां अते देश वासियां दी रक्षा करन वाले नूं फौजी कहा जांदा है। सेवावां मतलब देश दे बॉर्डर ते अते देश वासियां दी रक्षा, मतलब जो देश विच रहिंदे लोकां दी रक्षा करन वाले नूं फौजी कहा जांदा है। असीं सारे देश वासी इन्हां द्वारा प्रदान कीती सुरक्षा कारण ही सुख चैन नाल रह सकदे हां। प्रदान कीती मीनस प्रोवाइड की, जो अपन बॉर्डर से रह के अपन सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्होंने करके ही अपने घर सुरक्षित तो सुख चैन रह सकते हाँ। पर इन्हों का अपना जीवन आसान नहीं होंगे। फौजी सीमावां उत्ते तैनात रह के देश की रक्षा करते हैं। वह हमेशा मौत नाल टक्कर लैण लई तैयार रहते हैं। टक्कर लैण लई मतलब मौत का मुकाबला करन लई। कठिन परिस्थितियां का सामना करके वह अपने देश अते देश वासियां लई दुश्मनां दा मुकाबला करते हैं। कठिन परिस्थितियां मीनस मुश्किल हालातों दे विच उन्हां दा अपना जीवन बहुत मुश्किल हुंदा है। मुश्किल मतलब बहुत औखा हुंदा है। उन्हां नूं परिवार तो दूर रह के अपना फर्ज पूरा करना पैंदा है। फौजियां नूं सख्त अनुशासन विच रहना पैंदा है। सख्त अनुशासन मीनस हार्ड डिसिप्लिन दे विच उन्हां नूं कठोर सिखलाई दित्ती जांदी है ते फिर नियमां अनुसार अपना काम करना पैंदा है। उन्हां नूं अपने उच्च अधिकारियों का हर हुक्म मनना पैंदा है। अधिकारियों के किसी भी हुक्म उत्ते वह कोई प्रश्न नहीं कर सकते। सिर्फ उस हुक्म की पालना करनी पैंदी है। इसलिए भावें उन्हां नूं अपनी जान की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पवे। फौजी देश की सुरक्षा लई अपनी जान अपनी हथेली ते रख के घूमदा है। दुश्मन नाल मुकाबला करते समय उसका इको एक उद्देश अपने देश नूं दुश्मनां तों बचाउणा हुंदा है। दुश्मन मीनस वैरी, जो अपने देश नूं नुकसान पहुँचाते हैं, लड़ते हैं। फौजी अपने जां अपने परिवार बारे नहीं सोचता, सगों देश अते देश वासियां लई सिर धड़ दी बाजी ला दिंदा है। इन्हां फौजियां दे जतना अते कुर्बानियां सदका ही असीं अज आजाद जीवन बतीत कर रहे हाँ। इसलिए सानू सब फौजियां दे महान कम्मां लई उन्हां दा आदर करना चाहीदा है ते उन्हां दे कम्मां दी कदर करनी चाहीदी है। हाँ जी बेटा, इस दे नाल अपनी इस चैप्टर दी रीडिंग है कंप्लीट होंदी है। इस तो बाद असी इस चैप्टर नाल संबंधित शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, वाक अते इस पाठ दी बैक एक्सरसाइज करांगे। धन्यवाद।